भारत में युवाओं की संख्या करीब 60% है, और जब किसी देश में इतनी बड़ी तादाद में युवा होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वहां इनोवेशन और आइडियाज की भरमार होती है। ऐसा ही भारत में भी है। यहाँ यूथ के पास बहुत से नए आइडियाज हैं, जिन्हें वो स्टार्टअप्स में तब्दील कर रहे हैं। इसी की बदौलत भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश बन गया है। दरअसल द पॉलिसी एडवाइजरी एंड रिसर्च फर्म स्टार्टअप जिनोमी की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत को वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में $50 मिलियन से ज्यादा फंड मिला है। भारत में 429 स्केलअप कंपनियां हैं, जिनका कुल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट $127 अरब और क्यूमुलेटिव टेक्निकल वैल्यू इन्वेस्टमेंट $446 अरब है। बता दें कि स्टार्टअप जिनोमी की स्केलअप रिपोर्ट बड़े स्तर पर स्टडी करके बनाई जाती है। इसमें स्केलअप स्टार्टअप की सफलता के पीछे की वजहों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही ये ऐसे स्टार्टअप्स में अंतर बताता है जो 4 से 8 सालों में $50 मिलियन हासिल करते हैं या फिर ऐसा नहीं कर पाते। इस रिपोर्ट में भारत को चौथे नंबर पर रखा गया है, जबकि पहले 3 नंबरों पर अमेरिका, चीन और ब्रिटेन है। वहीं भारत ने वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और क्यूमुलेटिव टेक्निकल वैल्यू इन्वेस्टमेंट दोनों में ही यूके को पीछे छोड़ दिया है, जिससे ये साबित होता है कि भारतीय स्टार्टअप्स का पूरी दुनिया में बोलबाला है। वहीं अगर बात इस रिपोर्ट की करें तो इसमें कहा गया है कि अमेरिका को छोड़कर कई बड़े देश अपने लोकल बाजार में ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा करने से उनमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू बाजार का आकार बड़ा होता है। ऐसे में कई बार ग्लोबल मार्केट से ज्यादा मुनाफा घरेलू बाजार दे सकते हैं। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट की बजाय ज्यादातर देश अपने यहाँ की स्टार्टअप्स पर फोकस रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत में किस तरह के स्टार्टअप्स सफल रहे हैं। तो भारत में बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C स्टार्टअप्स काफी ज्यादा सफल रहे हैं। स्टार्टअप्स ने बिना यूनिकॉर्न्स के अरबों डॉलर की फंडिंग प्राप्त की है। वहीं अगर ग्राहकों की बात करें तो एशिया के बाहर इन स्टार्टअप्स के 50% से ज्यादा कस्टमर्स हैं। बता दें कि रिपोर्ट लोकल कनेक्टिविटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पेश करती है। इसमें बताया गया है कि भारत में हाई लोकल कनेक्टिविटी इंडेक्स वाले शुरुआती फेज के स्टार्टअप का रेवेन्यू कम इंडेक्स वाले स्टार्टअप की तुलना में 2 गुनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में ग्लोबल कनेक्शन पर भी फोकस किया गया है, जिसके मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क डेवलप करने वाले स्टार्टअप में लिमिटेड ग्लोबल कनेक्शन वाले स्टार्टअप की तुलना में 3.2 गुना ज्यादा क्षमता है। ऐसे इकोसिस्टम जो सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे टॉप ग्लोबल सेंटर्स के साथ ज्यादा जुड़े हैं, उनके स्टार्टअप दुनिया भर में हाई रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि इस रिपोर्ट में स्टार्टअप्स की सफलता से जुड़े हर पहलू पर गौर किया गया है, और उन पहलुओं को देखते हुए भारत ने इस लिस्ट में 4th स्थान हासिल कर लिया है। तो हम आगे भी और पायदान छलांगते रहेंगे और ऊपर जाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। बाकी आप इन सब वीडियोस के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।